हेलो जी, ये है हार्डकोर नॉनवेज स्पेशल। जी हाँ, आज हम आए हैं गुजरांवाला टाउन न्यू दिल्ली में और यहाँ पर बिहारी स्टाइल मटन, चिकन और बिरयानी खाने। कहाँ पर, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। AK चंपारण मीट हाउस। जी हाँ, ये देखिए पीछे ये बढ़िया से साइन बोर्ड चमकते हुए लाल से चंपारण मीट वाले। जी हाँ, हम यहाँ आए हैं। ये है वर्धमान रॉयल प्लाजा गुजरांवाला। जी हाँ, गुजरांवाला टाउन का वर्धमान रॉयल प्लाजा, ये पूरी मार्केट है। यहाँ पर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कैमरा घुमा के आपको लोकेशन समझाते हैं, बाकी यहाँ की गूगल मैप लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको फॉलो करके आप बड़े आसानी से यहाँ आ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आउटलेट कैसा। चलिए इनका सेटअप दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने हांडियों पे, आपके सामने लाइव इस वक्त मटन चिकन बिरयानी तैयार की जा रही है। और ये आउटलेट में सिटिंग अरेंजमेंट भी है। ये छोटा सा इस साइड तो छोटा सा टेक अवे है। आइए आपको इनकी सिटिंग स्पेस दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये है इनका सिटिंग स्पेस। क्या आपने ऐसा सिटिंग स्पेस चंपारण मीट जहाँ मिलता हो ऐसा सेटअप कहीं देखा है? देखा है तो ज़रूर बताना। फैमिली सिटिंग स्पेस है और इस गर्मी में, वैसे ही मौसम अब बारिशों का आ गया, मानसून आ गया है, लेकिन अगर आपने गर्मी से बचना है तो आराम से यहाँ बैठ के आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं चंपारण मीट की मैरिनेशन। ये गई सबसे पहले लहसुन बड़ी सी, और भैया से पूछेंगे, भैया आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। कहाँ से हैं पीछे? मैं तो पटना से हूँ सर। पटना से है, थोड़ा बताते रहिए क्या क्या जा रहा है। लहसुन गया ये, और सरसों का तेल जो 2.5 घंटा हम लोग आग पे पका करके इसको बनाते हैं, सरसों और देसी घी दोनों मिक्स करके। अच्छा, इसको 2.5 घंटा लगता है पकाने? हाँ, तेल इसको पकाते हैं, इसको इसका कचड़ा सारा निकाल करके बाहर कर देते हैं। अच्छा, फिर इसको यूज करते हैं हम लोग। वाह वाह वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो आप जनता जो सामने वाला वीडियो देख रही है, देखिए आपके लिए पूरी बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो ये मैरिनेशन होती हुई पूरे हांडी में, पूरा हांडी में मिला देंगे इसको, और फिर बारीक प्याज लेंगे, ये जो आप देख रहे हैं। वाह, बारीक प्याज कटा हुआ, और इसमें भी वही जो 2.5 घंटे लगा, हाँ, के तेल तैयार किया गया, सरसों और देसी घी मिक्स करके हो गया जी। मसाले जाते हुए काली गोल मिर्च, काली मिर्च, वाह, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर गया जी, ये सौंठ है, अदरक और लहसुन का सौंठ है मिक्स। वाह जी वाह, सौंठ भी जाती है। और ये तो नमक है, और ये 1 चम्मच मटन मसाला, मसाला जाते हुए मीट मसाला, हल्दी पाउडर है थोड़ा बहुत, और देखिए ये हम लोगों का मेन मसाला है जो गरम मसाला। इसमें हम लोग 18-19 आइटम मिक्स करते हैं एक बार में। वाह वाह वाह, और ये हम अपना मसाला बनाते हैं गरम, ये खुद का गरम खड़ा मसाला हम लोग अपना से लेकर के अपने से बनाते हैं। मतलब यही जान है इस, यही जान है जी। ये किचन किंग है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग के लिए जी, कलर के लिए इसको हम डालते हैं बस, बाकी हम लोग लाल मिर्च बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। अच्छा जी, और इसको प्रॉपर तरीके से आप मिला लेंगे। इसको एकदम प्रॉपर तरीके से मिला लेंगे ताकि हम लोग का हांडी जो बनता है, हांडी पैक ही बनता है। अहुना मटन का मतलब है पैक, हांडी एक बार पैक करने के बाद उसको खोलने का नहीं, अगर खोल दिए फिर वो अहुना मटन नहीं हुआ, अगर खोल करके बनाते हैं वो अहुना नहीं हुआ। इसको मैं एक बार में जब हांडी भर करके ऊपर रख दिया आग पे, फिर उसको खोलना नहीं है। इसका एक खासियत और है, इसमें एक बूंद पानी नहीं पड़ता, आपको कहीं से इसमें पानी डालते हुए नहीं देखेंगे आप। ये जो प्याज है यही गल करके पानी बनता है और ग्रेवी बनता है।
ये 1.5 kg का हांडी हम तैयार करेंगे। 1.5 kg का जी? अच्छा जी, हांडी 1.5 kg का तैयार होगा। इसको प्रॉपर तरीका से भर करके और ढक्कन लगा देंगे इस पर। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सील कर दिया गया है, दम पे तैयार की जाती है। इसको आटा से पूरा पैक कर देंगे। पैक कर देंगे और कोई करची का इस्तेमाल नहीं, कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बूंद पानी नहीं, कोई करची नहीं, एक बार भी खुलेगा नहीं। ये बनने के बाद ही हांडी ओपन होगा। और इसको कितनी देर लगती है बनने में, तैयार होने में? मटन 2 से 2.5 घंटा लगता है सर। अच्छा जी। और चिकन बनाने में 1 से 1.5 घंटा? 1 से 1.5 घंटा जी। तो लीजिए इसको सील कर दिया गया है और इसको डायरेक्ट आग पे रखेंगे। तो लीजिए अब इसको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे तैयार होते हुए। और बिरयानी को कितना लग जाता है टाइम, जो बिरयानी? बिरयानी भी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा में बिरयानी तैयार हो जाता है। तो लीजिए इस वक्त हमारे लिए चंपारण स्टाइल मीट तैयार होते हुए। और भैया से पूछते हैं ये क्या तैयार किया जा रहा था? ये बिरयानी चिकन है। अच्छा, ये बिरयानी थी। हाँ। और ये हिलाने का क्या पर्पस रहता है? ये हिलाने का पर्पस रहता है कि ये जले मत। अच्छा। नीचे से ये मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है और आप करची नहीं मारते, आप नहीं। ऐसे हिलाते हैं। हाँ, ये करची। और मैंने एक ये चीज देखी, आपने पूरा ये सील बंद किया हुआ है, ये आप देखिए। आपने दूसरे, मैंने काफी चंपारण के जो दिल्ली में वीडियो देखे हैं उसमें ये ऊपर से ऐसे सील नहीं लगाई होती और ओपन में वो तैयार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा दम लगा के इसको सील कर दिया गया और इसके अंदर पकाया जा रहा है और करची नहीं मारी जाती, हिला हिला के इसको तैयार किया जाता है। ये देखिए जैसे ये भैया पूरी हांडी को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ताकि नीचे लगे ना खाना और अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा पक जाए। और लीजिए ये हांडी हमारे लिए खोली जा रही है, जो अभी हमारे सामने तैयार की गई है। उसको पकने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन ये 2-2.5 घंटे पहले से जो रखी गई थी हमारे आने से पहले की, वो तैयार हो गई है। ये देखिए रंग देखिए, रूप देखिए, ऐसा मीठा और इतनी महक प्यारी है, मैं आपको क्या ही बोलूं। और रूप देखिए मीट का कितना शानदार। और ये लहसुन देखिए क्या एकदम खड़े मसालों में, और ये देखिए क्या खुशबू है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। वाह 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 वाह। तो लीजिए ये हमारे लिए बिरयानी, ये देखिए वाह बिरयानी। जी हाँ, बिहार स्टाइल, चंपारण स्टाइल हांडी वाली बिरयानी। ये देखिए, ओए रूप देखिए, रंग देखिए, ओ वाह नज़ारे आ गए जी, नज़ारे। और इनकी तीसरी मेन आइटम चिकन, जी हाँ, उसकी मैरिनेशन प्रिपरेशन स्टाइल बिल्कुल सेम रहता है। कुछ लोग मटन पसंद नहीं करते, उनके लिए यहाँ पे है चिकन। और ये देखिए, ओए ओए लाजवाब लाजवाब। ये देखिए, ओए होए होए, आ रहा है अगर आपके मुंह में पानी, तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अभी हम इसको खा के आपको बताएंगे कि कैसा है इसका स्वाद। ये देखिए, तो लीजिए टेबल हमारा सज गया है और बारिश का मौसम भी हो गया है, इसलिए हम साइड पे आके बैठ गए हैं। और इनका बैक साइड पे देखिए एसी सीटिंग स्पेस है, आप वहाँ बैठ के आराम से खा सकते हैं, लेकिन हमें बारिश के मौसम में एंजॉय करने का मजा था। इतना बढ़िया है खाने का मजा ही ओपन में आएगा। ये भी उड़नी शुरू हो गई है, हवाएं चढ़ रही हैं। चलो जी शुरू करो, आपको क्लोजअप दिखाते हैं। देखिए ये जब निखर के आया है बाहर, ये देखिए कितनी शानदार ग्रेवी है इसकी। ये देखिए ओहो, और आपको ये पीस दिखाता हूँ। ये देखिए, ओए होए 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 होए, ये देखिए, ओए है ना शानदार, लजीज लग रहा है ना एकदम। पहले हम ही खा के देखने, सूखा सूखा ना। हाँ जी, चलो जी
और अच्छे से गला हुआ है, प्रॉपर गला हुआ मीट। बहुत अच्छा फ्लेवर मीट का। झमाझम बारिश की आवाज़ और ये शानदार मीट, और साथ में ये देखिए फूले फूले फुलके, फूले फूले फुलके, ये देखते हैं। और हमने आपको इस मीट की पूरी प्रिपरेशन दिखाई है, कैसे तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत का काम है। आप ये देखो कि पहले तेल को तैयार किया जाता है जो, और वो हमें पता नहीं था कि तेल ऐसे तैयार किया जाता है। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात है सारे बंदे ढूंढते हैं कि हमें झटके के अंदर खाना मिले, 101% ये झटके के अंदर सारा सामान बना रहे हैं। तो मीट के बाद आप चिकन ट्राई करो। लो जी, या ये देखिए, दोनों की शायद प्रिपरेशन सेम है, पर मटन अपना कलर बड़ा अच्छा छोड़ता है, चिकन अपना कलर छोड़ता है, दोनों डिफरेंट हो गया बिल्कुल। नहीं, और ये लगता है मुझे जैसे ना जो प्रिपरेशन सेम है, लेकिन हम जैसे खा रहे हैं ना यार, फ्लेवर अलग आ रहा है। वो शायद मटन के जो जूस का है उसकी वजह से, मटन का अपना कलर भी छोड़ता है वो जैसे ब्राउन ब्राउन कलर। ये थोड़े हल्के मसालों में है, हल्के मसाले। वाह, तो चलिए अब इनकी बिरयानी देखते हैं, क्लोजअप लाइए। ये देखिए, ओह देखिए, पूरे अच्छे से गली हुई है इनकी बिरयानी, चिकन के पीसेस। ओह, मसालेदार बिरयानी लग रही है ना, मसालेदार। कोई भी बंदा सरसों के तेल में बिरयानी नहीं खाता, फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया सरसों के तेल में बनी, और ऐसी हांडी वाली, हांडी वाली। और ये देखिए, इलायचियाँ डाली हुई हैं, ये देखिए इलायचियाँ डाल के, लौंग डला हुआ है, लौंग डला हुआ है। ये देखिए, खड़े मसालों में ये तैयार हुई हुई बिरयानी, मसालेदार है, स्पाइसी है, फ्लेवरफुल है, फुल ऑफ फ्लेवर, मज़ेदार है। हल्का सा आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं, देखिए कितनी झमाझम बारिश में हम मीट मुर्गा बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया आज तो। आगे बिरयानी में तो हाथ रुकने का मन ही नहीं कर रहा। अगर ये कहा जाए कि आपको मटन ज्यादा पसंद आया या चिकन ज्यादा आया, तो बड़ा ही टफ है, आपकी प्रेफरेंसेस है। अगर आप मटन नहीं खाते, चिकन वाला खाइए, अगर बिरयानी खाते तो बिरयानी खाइए, क्योंकि जितने भी लोग हांडी बिरयानी के नाम पे हांडी बिरयानी दे रहे हैं, वो मीट बना रहे हैं अलग से, चावल उबाल रहे हैं अलग से, और उसके अंदर वो असेंबल करके हल्की सी हीट देते हैं। ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो असली स्टॉक फ्रॉम स्क्रैच वन पॉट जो रेसिपी है वो है ये। मज़ा आ गया खाते। होप आपको ये हार्ड कोर नॉन वेज वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ आइए, खाइए, इंजॉय करिए, वापस आके मुझे ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, मज़ा आ गया ना। Cheers. दोबारा कब आ रहे हैं फिर से आएंगे, मौसम ने तो मन कर दिया कि बार बार आके यही खाओ।